एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल देसी बॉयज पे। आप सब बच्चे होंगे, नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करते जाओ। और गाइस, सब्सक्राइबर हो तो आप खुश हो गए हमारे। और गाइस आज तुम ही चूज करो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए। देसी बॉयज लेकर आए हैं देसी बॉयज अक्षय कुमार इसको हम कट कर देंगे। तो ये मूवी 2011 में आई थी, रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी। अलग ही कॉन्सेप्ट था मूवी का यार, लेकिन जो सॉन्ग थे सारे हिट थे। मूवी एवरेज था एक्चुअली, बोलते थे कि बॉक्स ऑफिस पे इतना कमा नहीं पाई थी मूवी। तो आते हैं सॉन्ग पे, यार मेक सम नॉइज फॉर देसी बॉयज। तो देसी बॉयज रिएक्शन करेंगे देसी बॉयज पे, सॉन्ग पे, सॉन्ग पे। तो आते हैं सॉन्ग पे। Oh my God, what a song!
तो यार ये जो सॉन्ग था ना यार, ये जो सॉन्ग था एक्चुअली ये ना अभी भी देसी बॉयज का अभी भी सुना जाता है, बहुत मजा आता है सॉन्ग सुन के। लेकिन जो इसका स्टोरी था, इसकी स्टोरी पे आते हैं, जो स्टोरी था मेन जो पर्पज था कि किस तरीके से खुश रखे सबको ये स्टोरी, लेकिन पसंद नहीं आया लोगों को ज़्यादा स्टोरी। लेकिन सॉन्ग की बात करें तो सॉन्ग सारे हिट थे, हनी सिंह का इसमें गाना था। इस गाने की बात करें तो ये गाना गाया था केके ने और म्यूजिक था प्रीतम का। अक्षय पाल जी और जॉन इब्राहिम, इसके पहले हमने मूवी देखा था गरम मसाला, यार वो मूवी अभी भी देखते हैं और जिस तरीके से हैंडल किया था यार, कुछ ना कुछ उससे थोड़ा कनेक्शन था, क्योंकि इसमें भी ये लोग हैंडल कर रहे हैं लेकिन अलग तरीके से कर रहे हैं। और इसमें थी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और चित्रकंदा से कुंडी मत कटको वो थी। तो ये मूवी रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी, पसंद ठीक था, मतलब वन टाइम वॉच बोल सकते। और अगर बात करें अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम बारे, उनके बारे में बात करें तो जब भी वो साथ में आते पर्दे पे यार अच्छे लगते। और अभी जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं ना, अभी एकदम सेम बात पे, अभी ये लोग भाई भी देशभक्ति मूवी बनाते और जॉन इब्राहिम भी उसी काइंड ऑफ मूवी अभी बना रहे, सत्यमेव जयते हमने देखा जैसे कि गोल, ये सारी मूवी अभी भी बनाते दोनों, अभी मतलब बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि जो उनकी सिमिलैरिटी है सोच एक ही है। और बॉलीवुड में यार अभी अच्छे खासे दोनों के नाम चल रहे, मतलब इनकी मूवी भी साल में, एक साल में दो तीन मूवी तो आती रहती दोनों के। तो दोनों लोग बहुत डिसिप्लिन है और काफी वर्कआउट करते खुद के ऊपर, जो दिखता है स्क्रीन पे। तो गाइस गाने का टाइटल था देसी बॉयज, तो आपने कितना पसंद किया इस गाने को? आप मुझे बताओ कि अक्षय पाल जी और जॉन इब्राहिम कौन सा मूवी आपको पसंद है, कौन सा सॉन्ग पसंद है आपको, तम ताकि उससे नेक्स्ट टाइम उससे वर्कआउट कर सके। तो ये मैं चाहता था कि बनाओ ये वीडियो इस पे, क्योंकि मुझे ये गाना पर्सनली हमको बहुत पसंद आता है, जिस तरीके से इसमें एनर्जी दिखाया भाई ने तो बहुत पसंद आता है, और अपने टाइटल से भी जुड़ा है देसी बॉयज। देसी बॉयज, देसी बॉयज, आपको कितना पसंद लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारे सब्सक्राइबर आपसे हम ज्यादा से ज्यादा मतलब ये सॉन्ग के लिए एक्सपेक्टेशन ज्यादा है हमारे। ओके, तो अब के लिए बस इतना ही, हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।